Students, today I explain lesson number 2, people with special needs. Now start. Jasmeet and his friends go together in the park. Jasmeet और उसके friend एक park में जाते हैं एक साथ to play a game, खेल खेलने के लिए. They blindfolded one of the children. उन्होंने एक बच्चे के पट्टी बांध दी आँखों पर and others scared around him. और बाकी सारे उसके चारों तरफ फैल गए. The blindfolded child moved about trying to feel with his hands. और जिस बच्चे के पट्टी बांधी थी वो अपने हाथों के द्वारा उनको ढूंढने लगता है इधर उधर. He was finding it very difficult to move around as he was hitting against trees and tripping over plants. वो इधर उधर उनके ढूंढते हुए घूमता है और पेड़ों के और इनके हाथ लगाता है पौधों में. Every now then he took his blindfolded and thought how the visually impaired people manage their everyday life. वह ये सोचता है अपनी पट्टी को हटाते हुए अपने हाथों से कि जो लोग अंधे हो जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं. What do you do with these organs? आप इन organs के द्वारा क्या क्या करते हैं. जैसे आईज से हम क्या करते हैं देखते हैं. लेग से क्या करते हैं चलते हैं. ब्रेन से क्या करते हैं सोचते हैं. हैंड से क्या करते हैं काम करते हैं. और ईयर से सुनते हैं. टंग से टेस्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद हेल्दी बॉडी पार्ट्स. और हम सब इसकी दुआ करते हैं कि हम सब के हेल्दी बॉडी पार्ट्स हों. दे हेल्प अस टू डू आवर डेली जॉब स्मूथली. और इसी के कारण हम डेली का काम स्मूथली से कर लेते हैं आराम से. बट देर वॉज मैनी पीपल अराउंड अस. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे चारों तरफ विद सम और अदर फिजिकल डिफेक्ट विच मे बी बाय बर्थ और ड्यू टू डिजीज और एक्सीडेंट. लेकिन बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ ऐसे हैं जो कि फिजिकल डिफेक्ट है किसी में जन्म से किसी में एक्सीडेंट से या किसी में कुछ बीमारी के कारण. दे आर कॉल्ड पीपल विद स्पेशल नीड्स. और इन पीपल्स को हम स्पेशल नीड्स के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहते हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 14. सच पीपल नीड अवर अटेंशन. इन पीपल्स को हमारी ज़रूरत है केयर एंड लव हमारे प्यार की हमारी देखभाल की. बट वी मस्ट नॉट पिटी दैम. लेकिन फिर भी हम लोग इनकी तरफ नहीं सोचते. With our help, they can lead comfortable life and manage their daily chores. और ये इसके इसी से हम लोग comfortable life और manage करते हैं अपने जीने की ज़िंदगी को. Taking care of special people, हम इन लोगों की कैसे देखभाल कर सकते हैं जो विशेष लोग होते हैं. We can look after these special people in the following ways. ये तरीक़ों से हम इनकी क्या कर सकते हैं अच्छी तरह देख सकते हैं इनको. फर्स्ट क्या है मस्ट बी पोलाइट विद दैम. हमें इनसे प्यार से बातें करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट टीज दैम. हमें इन्हें सताना नहीं चाहिए. और मेक फन ऑफ दैम और इनसे इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. दे मस्ट बी मेड ए पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर बर्थडे पार्टीज पिकनिक एक्सेट्रा. और इनको हमें हमेशा साथ रखना चाहिए जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह होगी पिकनिक वगैरह होगी इनमें भी. वी शुड हेल्प दैम. हमें इनकी मदद करनी चाहिए. And motivate them to have a positive attitude in life. और हमें इनसे इनको इस चीज़ के लिए motivate करना चाहिए कि ये हमेशा positively रहें अपनी ज़िंदगी में. Sorry. They should be not treated differently. इनको हमें अलग से इनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए. We can read out books, comics, newspapers and visually impaired. हम तो बुक्स कॉमिक्स वगैरह और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ सकते. वी कैन आल्सो देम इन क्रॉसिंग द रोड्स. हमें इनको जब रोड वगैरह क्रॉसिंग करनी हो तो भी इन्हें इनकी मदद करनी चाहिए. वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. हमें साइन वगैरह का यूज़ करना चाहिए इनसे बातें करने के लिए. मतलब कि इशारों में इनसे बातें करनी चाहिए. विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. ये कौन होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. पीपल हु कैनॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड. जिन लोगों के अंदर कोई ना कोई कमी होती है इनको हम विजुअली इम्पेयर्ड पीपल बोलते हैं. दे हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग. जैसे कि चलने में दिक्कत हो किसी को मूविंग
या काम करने में. दे कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते. ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, और बाकी और काफ़ी मुसीबतें आती हैं, इनको प्रॉब्लम्स होती हैं. दे कैन यूज़ स्टिक टू मूव, और ये चलने के लिए एक लकड़ी का यूज़ करते हैं, स्टिक लेते हैं. नो हर्डल्स इन द वे, ताकि कोई भी मतलब ऊंची नीची जमीन हो या कोई मुसीबत ना आए इनको, कोई भी उस रास्ते के अंदर. लुईस बार्ले डेवलप्ड ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड बेयर स्क्रिप्ट. लुईस बार्ले ने एक स्क्रिप्ट तैयार की थी जिसको बेयर स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल, इन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते. इरोनिकली ही वॉज हिमसेल्फ वॉज विजुअली इम्पेयर्ड, और यह भी क्या था, इसका इस पे उदाहरण दिया जाता है कि ये खुद भी एक क्या था, जो ऐसा पर्सन था जो देख नहीं सकता था. इन द बेयर स्क्रिप्ट देर आर राइज डॉट्स, और उसने एक बेयर स्क्रिप्ट तैयार की जिसने उसने डॉट्स तैयार किए ऑन ए पेपर, पेपर के ऊपर फॉर्म ए पैटर्न, पैटर्न बनाया कि इनका अल्फ़ाबेट्स का. सच पीपल सी विद देयर फिंगर्स, और इनको जो अंधा लोग होते हैं वे अपनी फिंगर्स के द्वारा इनको महसूस कर सकते थे और पढ़ सकते थे. रीड विद देयर ईयर्स, और अपने कानों से इनको पढ़ सकते थे. देयर आर टॉकिंग बुक्स, और ये बुक्स ऐसे बोलती थी, हेल्प देम अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और इनको समझने में इस इनके द्वारा मदद मिलती थी. स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, सम पीपल कैन नॉट स्पीक, कुछ लोग बोल नहीं सकते और कुछ सुन नहीं सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सच पीपल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स, और इसके कारण वे दूसरे लोगों से बातें नहीं कर सकते. सच पीपल्स यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और ये लोग किस तरीके से बातें करते हैं, साइनों के, इशारों के द्वारा. पीपल्स ट्रेनिंग इज़ गिवन टू सच पीपल्स लर्न दिस लैंग्वेज, और इनको ट्रेनिंग दी जाती है ये भाषा समझने की. दे आल्सो लर्न टू रीड लिप मूवमेंट्स, और अपने लिप्स के मूवमेंट्स के से ही ये इशारों में समझ जाते हैं. पार्शियली हेयरिंग इम्पेयर्ड पीपल यूज हियरिंग एड्स विद द हेल्प ऑफ लिशन, और इनको सुनने के लिए क्या एड्स आते हैं, ऐसे हियरिंग सुनने के लिए जिनसे ये सुन सकते हैं, ऐसे इनके एड्स होते हैं. दीज आर सम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, ये कुछ डॉक्टर्स के नाम दिए गए हैं जो जिस ऑर्गन का एसोसिएटेड है, ये आप लोग देख लेना, मैंने बुक में कर रखे हैं और आपको भी करवा दूँगी. ओल्ड पीपल, अब ओल्ड पीपल क्या, राघव लव टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, राघव अपने दादा दादी के साथ टाइम बिताता था. ही रीड आउट बुक्स टू देम, वो बुकें पढ़ता था उनके साथ. हेल्ड देयर हैंड्स एंड टुक देम फॉर वॉक इन द इवनिंग, और उनके हाथ पकड़ के शाम को उनको घुमाने ले जाता था. ई ऑल्सो प्लेड गेम्स विद देम, वो उनके साथ खेल भी खेलता था. दे ऑल्सो टोल्ड राघव स्टोरीज फ्रॉम पास्ट, और वे राघव को पुरानी कहानियाँ सुनाते थे. इन द ओल्ड एज, अपने पास्ट के बारे में बताते थे. इन द ओल्ड एज पीपल बिकेम वीक एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी शक्ति और ताकत खो देते हैं. दे नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल्स अराउंड देम टू डू देयर वर्क, और वे इस चीज़ की सपोर्ट चाहते हैं कि उनके आसपास ऐसे लोग हों जो उनकी मकाम में मदद कर सकते. वी मस्ट बी पेशेंट विद देम एंड अटेंड टू देयर नीड्स केयरफुली, हमें उनके साथ क्या होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें हमेशा हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है. दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सॉफ्ट डाइट्स एंड टाइमली मेडिकेशन, उनको सही डाइट देनी चाहिए और टाइम के अनुसार उन्हें दवाइयाँ वगैरह देनी चाहिए. वी कैन होल्ड देयर हैंड्स टू क्लाइम स्टेयर्स, अगर वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं तो उनके हाथ पकड़ के चढ़ाना चाहिए. रोड क्रॉस करते हैं तो भी हाथ पकड़ना चाहिए. वी मस्ट स्पेंड टाइम, हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए. मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट, और उन्हें यह महसूस नहीं कराना चाहिए कि हमने उनको छोड़ दिया. डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, हाउ डू यू हेल्प देम, अगर आपके दादा दादी हैं तो आप उनकी मदद कर कैसे करते हो. सम ओल्ड पीपल्स डू नॉट हैव फैमिली टू लुक आफ्टर देम, कई लोगों के फैमिली नहीं होती है पीछे को देखने के लिए. सच पीपल आर टेकन केयर ओल्ड एज होम, और उनको जो ये बूढ़ों का होम वगैरह होता है जो ओल्ड लोगों को जहाँ भेजते हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम होता है जो वृद्ध आश्रम जिसमें बूढ़ों को भेजा जाता है. 1st अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड ओल्ड एज डे, और 1st अक्टूबर को हम ओल्ड एज डे मनाते हैं.
ऑर्फन्स, ऑर्फन्स होते हैं अनाथ बच्चे, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव देयर पेरेंट्स कॉल्ड ऑर्फन्स, जिनके माता पिता नहीं होते उनको हम ऑर्फन्स बोलते हैं। दे आर टेक केयर इन द ऑर्फनेज, और इनकी केयर कहाँ की जाती है, ऑर्फनेज, अनाथालय में। देर आर पीपल्स इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ब्रिंगिंग अप देम, ये लोग इनकी जो चार्ज वगैरह होता है, रिक्वायरमेंट जरूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। सम चिल्ड्रन आर इवन अडॉप्टेड, और कुछ कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, गोद ले लिया जाता है फ्रॉम ऑर्फनेजेस, अनाथालय से, एंड बोट अप इन ए फेम विद देयर अदर मेम्बर्स, और सदस्यों के साथ वो रहने लग जाते हैं। वी कैन हेल्प दैम बाई डिनोटिंग फूड, क्लोथ्स, बुक्स, टॉयस, और वे लोग इन अनाथालय के अंदर, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के लिए खाना, कपड़े वगैरह और खिलौने वगैरह दे के जाते हैं। वी कैन ऑल्सो विजिट दैम, और हम भी इसमें विजिट करके आए थे, स्पेंड टाइम विद दैम, और हमने उनके साथ समय बिताया।